अगर आपकी भी दाढ़ी सफेद होने लगी है या कालापन आपकी दाढ़ी में उतना अच्छा नहीं है तो आज की इस वीडियो को देखिए, कैसा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करके आप अपनी दाढ़ी को बड़ी तेजी से काला बना सकते हैं। ये जो नुस्खा है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी दाढ़ी अभी अभी सफेद होना शुरू हुई है, और अगर वो इस नुस्खे का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसा मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो दाढ़ी है वो बहुत ही तेजी से काली होने लगेगी, साथ ही साथ उसमें चमक आ जाएगी। ये जो नुस्खा मैं बना रहा हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो मैं चीजें इस्तेमाल करूंगा आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि इन चीजों की मदद से भी आपकी दाढ़ी काली हो सकती है। मात्र हफ्ते में इस नुस्खे का आपको दो बार इस्तेमाल करना और आप देखेंगे कि आपकी दाढ़ी काली होने लगी है और आप फिर से जवान दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा देसी घी, और बता दूं देसी घी हमारी दाढ़ी को काला करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। तो इस रेमेडी में आपको करना क्या है, इस तरीके से देसी घी का एक चम्मच बस आपको यहाँ पर ऐड करना है। देखिए इस तरीके से एक चम्मच बस आपको ऐड करना है। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको इसे प्रॉपरली इस्तेमाल कैसे करना है उसे जानने के लिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा लेमन, मतलब कि नींबू। तो आपको करना क्या है कि नींबू को इस तरीके से आधा आपको काट लेना है और इसका जो रस है वो इसमें आपको ऐड करना है। कितना रस आप ऐड करेंगे तो इसकी कुछ बूंदे आपको बस चाहिए, जैसे कि 4 से 5 बूंद बस। अब जब आपने इन दोनों चीजों को ले लिया तो यहाँ पर जो अगली आखिरी जो चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा कैस्टर ऑयल, और बता दूं कैस्टर ऑयल हमारी दाढ़ी की ग्रोथ के लिए, उन्हें काला बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेस करके यूज जरूर कीजिए। आपको बता दूं ये जो कैस्टर ऑयल होता है ये दूसरे नॉर्मल ऑयल से काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, तो आपको इसका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करना है। तो आपको बता देता हूँ कितनी मात्रा में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम मात्रा में मैंने लिया है और इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब जब आपने इन तीनों चीजों को डाल लिया तो आप इन्हें आपस में अच्छी तरीके से मिलाइए। ये देखिए, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दाढ़ी को जो है थोड़ा सा साफ कर लेना होगा। आप उसके लिए अपने दाढ़ी को धो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि इस रेमेडी को आप लेंगे, अपने हाथों पर उंगलियों पर इस तरीके से आप लीजिए और अपनी दाढ़ी पर अच्छी तरीके से आपको लगाना है। ध्यान रखिए जो रेमेडी है ये आपकी दाढ़ी की जो जड़ें हैं उस पर अच्छी तरीके से लगनी चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाला है। आपको करना क्या है, आप इसे अच्छी तरीके से लगाइए। पूरी इस रेमेडी को आपको अपनी पूरी दाढ़ी पर लगाना है, खासकर जड़ों पर, तो खासकर आप इसे अच्छी तरीके से लगाएंगे और लगा करके 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए और उसके बाद आप जो है छोड़ दीजिए इसे आधे घंटे के लिए। बाद में आप चाहें तो ठंडे पानी से अपनी दाढ़ी को साफ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बता दूं आपकी दाढ़ी बड़ी तेजी से काली हो जाएगी। अगर सफेद होने लगी है तो वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, काली होने लगेगी। साथ ही साथ जिन लोगों की दाढ़ी में चमक नहीं होती उन लोगों को भी इसके इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपकी दाढ़ी में चमक बढ़ जाएगी और जो कालापन है वो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। ये रेमेडी दाढ़ी की ग्रोथ के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी दाढ़ी को काला करने के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ये रेमेडी आपके लिए साबित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी की ग्रोथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ रेमेडी आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। आशा करता हूं कि भंडार टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और नए नुस्खे और टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।